गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब एकदम फाइन होंगे, एकदम मज़े में होंगे और मौज कर रहे होंगे। सबको जय महाकाल, जय माता दी। और देखिए अभी हम उठ गए हैं और मम्मी ना सुबह सुबह खेत में चली गई है, पानी था तो। और अभी प्रिया देखो ऐसे ही सो रही है, और ये भी मेरा भाई भी अभी उठा है। गुड मॉर्निंग। अभी तक उसने ब्रश भी नहीं किया है देखो। और हम सब यहीं पे सोते हैं, रात को मैं दिखा रही थी पर कुछ दिख नहीं रहा था, ऐसे ही लाइन टू लाइन। ओके तो मिलते हैं आगे। और अभी ना मैं भाई का व्लॉग देख रही हूँ, वो सुबह 8 बजे डालता है। तो वैसे कैमरे में होता है तो बहुत मज़ा आता है, आप भी देखना, आपको भी मज़ा आएगा। ओके तो मिलते हैं आगे। अरे टिंकू महाराज देखो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। सो हेलो गाइस, कैम छो बदा। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी ना दो के देखो, अभी अभी बाहर निकले और सुमी ने तो आपने देखा होगा मॉर्निंग मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं क्या कि ये जा रहा है अकेला घूमने के लिए। अब देखो मॉर्निंग मॉर्निंग में विपुल भी आ गए हैं। अभी हम रेडी हुए हैं और जा रहे हैं, हमारे यहाँ शादी है, शादी हो तो 10 दिन तक अभी काम ही काम है। और देखो सुमी को कोई काम नहीं, सोने का काम। मैं सोऊंगी, नाश्ता नहीं करवाया मुझे आज इन लोगों ने, और मुझे छोड़ के अकेले अकेले। खुद तो नाश्ता बनाया नहीं और हमें बोल रही कि नाश्ता नहीं खिलाए। तो चलिए जैसे धीरज आता है तुरंत निकलेंगे शादी वाले कार्ड लेके सभी जगह। और हमारे यहाँ गांव में जब भी शादी होती है ना तो सारे सारे कार्ड लेके जितने भी रिलेटिव होते हैं ना संबंधी, उनके यहाँ कार्ड लेके जाते हैं और न्योता देते हैं शादी में आने का। तो चलिए फटाफट धीरज आता है, निकलते हैं। तो देखो सुमी तो अभी सो रहे हैं पर अभी हम चले हैं कार्ड लेके। तो चलिए जाते हैं। तो अभी हम चले हैं देखो कार्ड लेके। और आज तो शाम तक सिर्फ ये वाले शादी के कार्ड ही बेचने, क्योंकि जब भी शादी होती है ना तो हमारे जहाँ जितने भी रिलेटिव होते हैं ना उनके यहाँ जाना पड़ता है और ये कार्ड लेके जाना पड़ता है। तो देखो हम सभी लोग चले हैं और पूरा दिन इस गड्ढे में घूमने वाले हैं। और ये है स्पेशल हमारा ड्राइवर रखा है जो पूरे दिन गड्ढी चलाने वाला है। तो अभी सारे सारे गांव का जाना है, फर्स्ट प्लानिंग हो रहा है और उसके बाद पूरे पूरा ऐसे राउंड लेंगे ना कि एक एक करके सारे सारे गांव खत्म हो जाए। तो आज तो पूरे का पूरा मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसे ही पूरे पूरे हमारे जो ठाकुर समाज के बार पर आए ना बार गांव वहाँ घूमने वाले हैं। और ऐसा व्लॉग बनाने का कभी कभी चांस मिलता है। और अभी हम लेके आए नाश्ता, क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा है। और नाश्ते के साथ ये बोतल भी है, खोल भरा हुआ। और अभी हम यहाँ गैस पुराने आए हैं, क्योंकि गैस कुछ ज़्यादा नहीं था तो यहाँ सबसे पहले वाला स्टैंड आया ना तो यही रुके। एकदम रेड रेड हो फिर इतना बड़ा ना पड़ा था कुमार तो आवाज हुई उसी बता पूरी की आवाज से जी की आवाज तो है। तो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ डबोड़ा, और यहाँ धीरज के मासी का घर है ना वहाँ रुके हैं। देखो कच्चे आम, धीरज की मासी के यहाँ से कच्चे आम तोड़े, वो वाला आम का पेड़ है ना वहाँ से। तो हम तो जहाँ भी जाते हैं ना ऐसी तोड़ फोड़ तो कर ही देते हैं। गर्मी ऐसी लग रही है ना पूरे पूरे पुराए हो गए। अभी हम पहुंचे नौवा गांव, जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ की कार्ड निकालते हैं। मॉर्निंग से ऐसे ही लगे रास्ता
और यहाँ डीजे वाला भी बीच में आ गए हैं, क्या कितनी शादियां है, कितनी रास्ता बंद है। और अभी पहुंचे गोलवाड़ा और यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अमरपुरा। तो कुछ कार्ड हम ऐसे लाए हैं, क्या है वो रह जाता हो ना तो उनको कार्ड भेजना पड़ेगा। अभी हम पहुंचे आसपा जून आसपा दोनों जगह सापोर पूरे दिन इस गाड़ी में बिताने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसे ही बाहर फेंक देगा ना तो भी चलेगा, पर इस गाड़ी से छुटकारा दिलाओ, हालत बिगड़ गई है। तो मॉर्निंग को तो ऐसे जूस में बैठ गए थे ना और अभी सारे सारे बोझ उड़ गए। तेरे कितनी पैसे निकाला जा रहे जा रहे जा रहे हो बोलना किधर के वो बुरा था कि थोड़ी ब्रेक आ गई है। तो पूरे एक पूरा दिन के बाद अब जाके इस गड्डी से छुटकारा मिला है क्योंकि अब हम बाइक में बैठेंगे। तो अब कुछ बढ़िया फील हो रहा है क्योंकि मॉर्निंग से बैठे थे ना गड्डी में तो ऐसा लग रहा था ना कि किसी दिन घूमने के बाद अभी हम पहुंचे छाबलिया लास्ट वाला स्टैंड है और यहाँ हम खाना वाना खाने के बाद फिर घर जाने वाले हैं। लास्ट वाला स्टैंड है यहाँ से सीधे मिलेंगे। फिर से बैठ गए हैं गड्डी में क्योंकि बाइक चला गया है भाई लेके, जो बाइक में घूम रहे थे ना बीच में तो भाई लेके चला गया है अपना भाजी का लड़का और अभी फिर से गड्डी में पैक हो गए हैं और अभी जा रहे हैं घर में। अभी तक पहुँचे नहीं है, अभी रास्ते में और टाइम तो देखेंगे ना तो इतना हुआ है ना भाई, देखो 10 बजने आ गए पर अभी तक घूम रहे कार्ड लेके शादी वाले। तो अब आधे घंटे में घर पे पहुंच जाएंगे और जैसे ही घर पहुंचेंगे ना सारा सारा काम करना पड़ेगा। तो अभी पहुंच चुके हैं हम घर और देखो यहाँ तो सारे सारे लोग सो भी गए हैं, बाइक की वेट कर रहे थे कहाँ सोए हैं। और मेरा ब्लॉग ना आधा ही है तो कल भाई मुझे देगा तो मैं ही डालूंगी। तो बाय बाय टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। देखो यहाँ तो सारे सारे लोग सो गए हैं, देखो मम्मी शुमी या क्योंकि घर आते आते 11 बज गए हैं और टाइम इतना हुआ है ना कि नॉर्मल बात है कोई भी सो जाता है। सबसे पहले तो अब लाइफ में कभी जाएंगे नहीं ऐसे कार्ड बेचने के लिए क्योंकि इतना टाइम हो गया है ना भाई कि हालत बिगड़ गई है, खुद ऐसा लग रहा है कि भाई कभी जाना नहीं चाहिए ऐसे। तो चलिए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा वो लाइक करेगा और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। तो आओ जो काले पाछा बोल सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।